रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया पिंकी। तो ये x माइनस फाइव इंटू 40 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट होगा 124, खत्म। अब आपको इसके बाद इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना हुआ था वहां पे, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ द थिंग इज कि इस तरीके के क्वेश्चन को समझाना बहुत इजी लगता है, जब समझाते हैं तो जनरली लोगों को समझ में आ जाता है, बट आपको ये खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हो सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, जब समझाते तो हो जाता है बट ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये बताता है शायद आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश वीक है तो स्टेटमेंट पढ़ के बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, ये एक रीजन होता है। तो द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मतलब 10-15 क्वेश्चन नहीं, 25-30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सर ये सेम क्वेश्चन 4.2 का 2 का 1 है। अच्छा नेक्स्ट, कॉटेज, ये क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, चलो जिनको प्रॉब्लम हुआ एटलीस्ट वो मैं जानना चाहूँ कि स्टेटमेंट पढ़ के उनको क्या समझ में आया। पीयूष अनम्यूट करो खुद को। क्या लिखा हुआ है पीयूष, उस लाइन से आप क्या समझो ये बताओ, ये वाली लाइन से क्या समझ में आया है यहां से लेके यहां तक। बताओ यार, टाइम बर्बाद मत करो। आवाज नहीं आ रही है पीयूष, आई थिंक किसी को भी उसकी आवाज नहीं जा रही होगी। अवनीश तो निकल गया, डाउट पूछा क्वेश्चन नंबर टू उसके बाद निकल गया वो। अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में अटेंडेंस होता है और फिर नहीं होता तो लोग निकल जाते हैं। आज मैं आप लोगों को ये एक फाइल भेजूंगा, एक रिपोर्ट भेजूंगा कि आज के दिन में हमारी जो क्लास चली है उसमें कौन कितने देर के लिए था, ठीक है, ताकि उसे आपको पता चल जाए कि वी नो एग्जैक्टली कौन कितने देर के लिए क्लास कर रहे हैं। हाँ अनिश बताओ। सर इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज एक दिन में बनाता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय एक मतलब द कॉस्ट, सॉरी द कॉस्ट एक खिलौने को बनाने का कॉस्ट, एक एक खिलौने का बनाने का जो टॉय है 55 मिनट्स द डे, वो 55 से एक मिनट कुछ गलत हो गया। तो उसमें बोल रहा है कि इन ए पर्टिकुलर डे एक दिन में वो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन करते हैं वो 7 पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750 रुपीस का एक दिन में टॉयज क्रिएट कर देते हैं। वो ठीक है बट उसके ऊपर वाला मेन पार्ट आप मिस कर गए हो। एक मिनट देखो सर यहाँ डाउट हो रहा। देखो होता क्या है गाइस, अब जैसे कि क्वेश्चन पढ़ के इतना बताओ, तीन वर्ड्स से तो सबको समझ में आ गया, एक वो बात कर रहा है कॉस्ट पर टॉय का बात कर रहा है, फिर एक बात हुआ नंबर ऑफ टॉयज पर डे। अगर मैं दिखाऊं कहां कहां पे लाइन है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, इसका मतलब है एक खिलौने को बनाने का खर्च। सेकेंड
नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितने खिलौने बनाए। अब अगर आप उस लाइन को दोबारा पढ़ते हो तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अगर हिंदी में इसको पढ़े तो ये कह रहा है कि एक खिलौने को बनाने का जो कॉस्ट लगा है वो कितना है। तो वो जितने भी टॉयज बनते हैं ना, मान लो 10 टॉय बनते हैं, 20 टॉय बनते हैं, 1000 टॉय बनते हैं, जितने भी खिलौने बनते हैं एक दिन में, उसका माइनस 55 करोगे, उसमें से जब 55 माइनस करोगे तो जो वैल्यू बनेगा वो उतना खर्चा लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि दिन में 100 खिलौने बनते थे, दिन में 100 खिलौने बनते थे, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक खिलौने पे खर्च कितना जाएगा, 100 माइनस 55 45 रुपए, 45 रुपीज विल बी द कॉस्ट पर टॉय। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। और यहीं पे पूरा क्वेश्चन है, यहीं पे पूरा क्वेश्चन है। कॉटेज इंडस्ट्री, खिलौने बनाने के लिए जो सामान चाहिए, ठीक है, दैट इंडस्ट्री। अभी खिलौना कुछ भी हो सकता है, एज ऑफ नाउ हमको यही तो समझना है कि ये एक इंडस्ट्री है जहां पे खिलौने बन रहे हैं। किस टाइप के खिलौने बन रहे हैं नहीं पता, बट लेट्स से कि हाँ वो एनिमल्स बन रहे हैं, ठीक है, टॉय एनिमल्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब ये चीजें हमको दिख रही हैं, तो आपको अब इसमें समझना पड़ेगा कि यार यहाँ जो कॉस्ट पर डे है, एक दिन का जो कॉस्ट है, उसको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टॉयज पर डे के हिसाब से बताया गया है। कॉस्ट एक दिन में उसका जितना खर्चा होता है, एक खिलौने पे उसको जितना खर्च देना पड़ रहा है, वो वैल्यू कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टॉयज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो हमको आइडियली हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट का शुरुआत क्या होना चाहिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि एक दिन, अच्छा नंबर ऑफ टॉयज पर डे होगा ये, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज पर डे इज इक्वल टू एक्स। तो हम ये मान रहे हैं कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, एक्स खिलौने बन रहे हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कॉस्ट पर डे कितना होगा, कॉस्ट पर टॉय, कॉस्ट पर टॉय कितना होगा, तो अब क्या मैं लिख सकता हूं x माइनस 55 है कि नहीं, है कि नहीं, हो गया। अच्छा फिर ये 750 रुपए क्या है, 750 रुपए है एक दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप दिन में क्या कर रहे थे, पूरे दिन में आपने टॉयज बनाए हैं, कितने टॉयज बनाए, x टॉयज बनाए हैं। हर टॉय को, हर खिलौने को बनाने में कितने रुपए का खर्च लगा आपका, x माइनस 55 रुपए का खर्च लगा। तो अगर हर खिलौने को बनाने में x माइनस 55 रुपए का खर्च लगा और x नंबर ऑफ टॉयज आपने बनाए हैं, तो अल्टीमेटली आपका टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए। ये तो वही फंडा हो गया कि मैंने एक दिन में 50 खिलौने बनाए, हर खिलौने को बनाने में 20 रुपए लगे, तो मेरे टोटल खर्च कितने निकले एक दिन में, 50 × 20 करोगे ना। तो उसी हिसाब से यहां पे जो टोटल कॉस्ट आपको दिया है 750 रुपए, वो इक्वेशन वाइज क्या होगा, तो इक्वेशन वाइज हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750, दिस विल बी माई टोटल कॉस्ट। एम आई क्लियर, बताओ, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 55x इज इक्वल टू 750 हुआ। तो क्वेश्चन क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर लीनियर इक्वेशन चैप्टर ठीक से किया हो तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी अगर उसने लीनियर इक्वेशन को ठीक से सॉल्व किया है। अब मैं लीनियर इक्वेशन में होमवर्क देता था, अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क सॉल्व करने के लिए इंटरनेट का हेल्प ले लेता था, तो अब उसको क्वाड्रेटिक में कोई इक्वेशन उससे बनेगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी इक्वेशन उसी तरीके से आप बनाते हो। ठीक है, तो ये पहली चीज है। नेक्स्ट,
हो गया सॉल्व ये? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर, बहुतों ने फाइव के बारे में बात किया था। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कितने लोगों को फाइव में दिक्कत हुई थी? मैं जानना चाहूंगा कि आपका अप्रोच क्या था, या फिर आपने बस जल्दी जल्दी ट्राई किया, नहीं समझ में आया तो। निहारिका कैसे ट्राई किए थे बताओ? अनम्यूट करो, कैसे ट्राई किए हो? क्या हो गया? आई हैव गिवन यू द परमिशन टू अनम्यूट। अभी देखो ये लगता है कि फोन वगैरह ऑन करके इधर उधर निकल चुकी है। अच्छा मैं पूछ रहा हूं कि एटलीस्ट नहीं बनना इज अ डिफरेंट थिंग यार। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले एरिया क्या होता है यार? थोड़े टाइम के लिए लेट से भूल जाते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। चलो मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे कितना होगा, बताओ तो सबको चैट बॉक्स में। नहीं इसके हिसाब से बताओ यहां पे बेस क्या है, हाइट क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबको पता है यार, क्लास टेंथ में हो आप लोग, क्लास फाइव सिक्स में पता दिया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप देखो इस डायग्राम को देखो, बताओ यहाँ पे बेस क्या है और हाइट क्या है। एबीसी को देखो युवराज, अगेन मैं जो कह रहा हूँ कि आप ट्रायंगल एबीसी में देखो बेस कौन है और हाइट कौन है। पिंकी हाफ किधर गया? तरन गलत। आप लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा ट्रायंगल को देख के कि हम इधर बेस किसको मानेंगे, हाइट किसको मानेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बहुत कम लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। अनीश सही आंसर दिया है। अब देखो ये कुछ बेसिक चीजें यार, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है, इसका नाइन्थ से कोई लेना देना नहीं है कि आपने नाइन्थ में अच्छे से नहीं पढ़ाई किया एंड ऑल। लाइक अगर हम इधर बात करें, सबसे पहले आपको समझना होगा हाइट का मतलब ये नहीं होता जो खड़ा हुआ है वो हाइट रखोगे। बिल्डिंग्स वगैरह आर स्टैंडिंग, दे आर वर्टिकल ऑब्जेक्ट, तो वो वर्टिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका हम लोग हाइट देखते हैं। अगर आप यहाँ पे, अगर मैंने आपके स्क्रीन पे एक ट्राइंगल बनाया है, आप में से ज्यादातर लोगों का यहाँ पे हाइट क्या आ रहा है? आप लोग हाइट बता रहे हो ए बी, राइट? आप लोग हाइट बता रहे हो ए बी। मैं आपको अगर बोलू क्या एसी, दिव्यांशु देखो हाइट का क्या है फंडा। हाँ बहुत लोगों ने आप सही आंसर दे रहे हो चैट पे, अच्छी बात है। देखो गाइस होता क्या है, हाइट एंड बेस द थिंग विच यू हैव टू ओनली दिमाग में जो रखना होता है, हमें याद रखना है कि हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और बेस क्या होता है, तो हाइट जिस लाइन के ऊपर, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, हाइट जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उस साइड को ही बेस बोला जाता है, राइट? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ए बी को अगर आप हाइट मानते हो तो ए बी किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के परपेंडिकुलर है, तो बीसी आपका यहां पे बेस की तरफ काम करेगा। लेकिन सेकंड थिंग, अगर आप बीसी को हाइट मानते हो, जो कि मान सकते हो, अगर आप बीसी को हाइट मानते हो
तो अब आपका ए बी क्या होगा, ए बी बेस की तरह काम करेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, बिकॉज हाइट एंड बेस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. हाइट एंड बेस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये नहीं समझना है कि जो वर्टिकल लाइन है उसी को हम हाइट मानेंगे. दैट इज ट्रू फॉर अ 3D ऑब्जेक्ट, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, घर हो गए, ठीक है, इमारतें हो गई, वहां पे उसकी हाइट को कंसिडर किया जाता है. बट जब एक 2D चीज बना रहे हैं ना, जैसे आपके स्क्रीन पे कोई भी चीज बना रहे, तो वहां पे हाइट वर्टिकल होना जरूरी नहीं है. स्क्रीन घुमा दोगे तब BC खड़ा दिखेगा, ये भी सोया हुआ दिखेगा, इस टाइप का रहेगा ना फिर वो. ठीक है, सो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड. नेक्स्ट, अब जब बेस और हाइट वाला फंडा क्लियर हो गया, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब आप चाहे AB को हाइट मानो, BC को बेस मानो, या फिर BC को हाइट मानो, AB को बेस मानो, अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट ही हो रहा है. तो यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती है कि किसको हाइट मान रहे हैं, किसको बेस मान रहे हैं. बट द आइडिया शुड बी वेरी मच क्लियर इन माई माइंड. जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. मान लेते हैं कि बेस मेरा ये था X, यही मेरा बेस था, तो मेरा हाइट क्या होगा उसके हिसाब से? मेरा हाइट हो जाएगा X माइनस 7. X से 7 कम, और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ है 13. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस की क्या खासियत होती है? सबसे बड़ा साइड होता है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, जहां पे हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है. ये चीजें हम कहते हैं. तो उस हिसाब से x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? और अल्टीमेटली गाइस, जब हमको इक्वेशन बनाना है, जब आपको इक्वेशन बनाना है और हमारा इस ट्रायंगल में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन की तो जरूरत है. ठीक है, बस एक ही चीज याद रखना है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता यार. हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड, एंड लार्जेस्ट साइड हमेशा लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट में होता है. 9th के ट्रायंगल चैप्टर में आपको बताया जाता है कि सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट में सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट में सबसे छोटा साइड होता है. ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जितने लोगों को 5 में डाउट था, आई थिंक इक्वेशन बना दिया है, सॉल्व करने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आई डोंट थिंक मुझे दोबारा बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी अपन जो पीछे कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन देखे थे, टॉयज वाला, कहीं ना कहीं देखो सेम क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है मेरे को. कॉटेज इंडस्ट्री वर्ड दिखते मुझे वो दिख रहा है, मैंने जूम किया इधर, देखिए तो एक बार. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. पॉटरी आर्टिकल्स आपके मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी की चीजें हो गई, आर्टिकल्स हो गए. ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. मतलब कहीं ना कहीं एकदम सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या पिछले वाला जैसा? डिटो सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाला. हाँ युवराज, तो जितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत था, जो मैंने अभी एग्जाम्पल वहां पे समझाया था एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल के जैसा है ना, अब बन जाएगा ये वाला. ठीक है, इसको स्किप करें. अच्छा गाइस, किसी का क्वेश्चन पे मिस हो रहा है क्या? 4.2 में और कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया मैंने चैट में? बहुत सारे चैट आते गए बीच में. एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ? बढ़ू आगे फिर 4.3 पे? Students, can I move to 4.3 then? Boys and girls, किसी का कोई question छूटा तो नहीं है? अगर छूटा है तो जानबूझकर नहीं किया, messages miss हो जाते हैं, बहुत सारे messages आते हैं. चलो, अभी तक तो सबने लिखा कि और कुछ नहीं है. ठीक है, so next let's move to exercise 4.3.
4.3 के डाउट्स क्लियर करके कहूत करेंगे, फिर हम अवंती के मॉड्यूल के डाउट्स पे आते हैं, ठीक है? 5 and 6, ठीक है 5 and 6 करते हैं। कंगना आपने भी 4.3 का कुछ भेजा था ना, अभी दोबारा मैसेज कर दो, मिस हो गया हो। तो फाइनली अभी मुझे क्वेश्चंस सबके मैसेजेस देख के अगर कंपाइल करूं, 5, 6, 7, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन दिख गए, और 1 फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd वाला। ओके अनीश, अभी मैंने ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने बताया नहीं है। मैंने एक्चुअली सॉल्व करने के 2 ही तरीके बताए थे, पहला फॉर्मूला लगा के और दूसरा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। तो मैंने 4.3 एक्चुअली स्टार्टिंग का पार्ट नहीं दिया सॉल्व करने को, मैंने इन लोगों को बोला था कि जो पीछे के वर्ड प्रॉब्लम थे उन वर्ड प्रॉब्लम्स को करें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बनाना ही दिक्कत होता है, इक्वेशन सॉल्व करना दिक्कत इनके लिए नहीं होगा, ठीक है? तो मैं 1 का 3 पे थोड़ा बाद में आऊंगा। ओके सर। फराज कह रहे कि सर इन 4.3 यू विल गिव ओनली 4 and 11। फराज मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाहते हो कि एक्सरसाइज 4.3 पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, पकड़ के पिटाई करूंगा। अभी यहाँ पे बोलो तो व्हाट्सएप खोल के स्क्रीन शेयरिंग में दिखा दो। मैंने लिखा था 4 से 11 तक सारे क्वेश्चन। कंगना आई डोंट नो जूम अगर बार बार स्टॉप हो रहा है तो इट्स बिकॉज आपका इंटरनेट का वहां पे इश्यू होगा, ठीक है? चलिए तो आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 देन। गाइस प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, बिकॉज इसका कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा। दिस इज सिंपल डीएसएस। कंगना मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरनेट जब वीक होता है ना तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? इंटरनेट जब वीक होता है तभी बार बार डिस्कनेक्ट होता है। ओके तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। फाइव में कह रहा है, अच्छा मीनवाइल जिन जिनको दिक्कत है भाई फाइव में पहले तो वो लोग अनम्यूट करें, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग का क्या अप्रोच था। आयुष हाँ कंगना बताओ। यस सर। सर फाइव में मेरा था कि इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, तो आई मीन कौन सा करेक्ट है, आई मीन लाइक 2 जीरो आएंगे ना, क्या क्या वैल्यू आई मीन, हाँ 12 and 13 आया है। 12 and 13 आया है, यस। शायद दोनों ही आंसर पहले तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 होना चाहिए था, तो 12 और 13 सम करोगे तो 25 होता है स्टिल। और आपको क्वेश्चन में वो क्या होता कि मान लो 12 और 13 आता क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप इधर ही लिखते कि आपको ये बताना मुश्किल है कि 12 मैथ्स का है और 13 इसका है, ये तो आपने डिसाइड किया होगा ना इधर। रुको मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, 2 सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है? एक सब्जेक्ट है मैथ्स, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसमें टोटल हमने स्कोर किया 30 नंबर, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें पहले किसी एक को वेरिएबल मानना चाहिए। तो हमने माना इंग्लिश को, लेट्स से कि इंग्लिश में मैंने एक्स मार्क्स स्कोर किया है। तो सबसे पहले चैट में बताओ तो मैथ्स में फिर कितने किए होंगे, अगर इंग्लिश में एक्स किया है और इंग्लिश और मैथ्स का टोटल मेरा 30 नंबर आया है, तो मैथ्स में मैंने कितने स्कोर किए होंगे? एक्स माइनस 30 नहीं होगा गाइज, इट विल बी 30 माइनस एक्स। कंगना यहीं पे गलती हो गई है, निहारिका आपसे भी गलती हुई है। सर मैंने मैथ्स को एक्स लिया था। चलो ठीक है मैं मैथ्स को एक्स ले लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमने मैथ्स को एक्स ले लिया और टोटल जो नंबर है मतलब इंग्लिश और मैथ्स का टोटल है 30 नंबर, अगर एक जगह 12 नंबर आया होगा तो दूसरी जगह 18 नंबर आया होगा ना, 18 कैसे आया, 30 माइनस 12, तो एक जगह x आया होगा तो दूसरी जगह कितना आया होगा, 30 माइनस x आया होगा,
ये मैटर नहीं करेगा आप किसको एक्स मानते हो किसको 30 - x मानते हो, ये मैटर नहीं करने वाला। बस ध्यान रखिएगा किस मैथ्स को अगर एक्स माना है, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है, had she got 2 marks more than maths, अगर उसको 2 नंबर ज्यादा मिलते मैथ्स में एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो ये कह रहा है एक सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते तो उनका जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता, तो उनका प्रोडक्ट होता 210। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मैथ्स में माना हुआ है कि उसको आए थे एक्स नंबर, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, इट मींस ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में 30 - x आया था, 30 - x में से अगर 3 घटा देते हैं, 30 - x में से 3 घटा देते हैं तो वो 27 - x हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू 27 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, इज इक्वल टू सॉरी ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 210 दिया हुआ है, तो ये आपका 210 आएगा। ठीक है, अब अगर हम ये ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यार यहां लिखने में दिक्कत हो रही है, लेट मी टेक इट टू ओपन बोर्ड, अपना ब्लैक बोर्ड, जल्दी से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो हमने इंग्लिश को, इंग्लिश था हमारा 30 - x, सो और मैथ्स को हमने अज्यूम किया था एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 210 आपका क्या था, तो 210 वर्स एक्स, जब मैथ्स में उसको 2 नंबर कम मिलते, एक्स में सॉरी मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिलते और इंग्लिश में उसको 3 नंबर कम मिलते, तो पहले 30 - x था उसमें से 3 कम कर दिया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये एक्स प्लस 2 तो यहां पे है और यहां पे ये 27 - x हो गया। अब आप जब ब्रैकेट को यहां ओपन करोगे तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 27x - x² + 54 - 2x, और सबको मान लीजिए कि मैंने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो मेरे पास फाइनली बनेगा एक्स स्क्वायर, 27 - 2 25 हो गया, तो 25x, 210 - 54 = 160, 160 = 156 = 0। ठीक है, ये आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, आपके पास फैक्टराइजेशन से करना है उससे करो, फॉर्मूला से करना है वैसे करो। लेट्स से मैं इसको फैक्टराइजेशन से करता हूं, तो आपको यहां पे सबसे पहले 156 का फैक्टराइजेशन करना होता है, तो ये 78 आया, फिर 2 39 आया, फिर 3 13 आया, तो यहां 13 बन गया, और 2 to the 4, 4 to the 12। अब देखो यहाँ पे आपसे गलती क्या हुई है, मैं समझ गया आपसे गलती हुई कि आपने इसको प्लस 13x प्लस 12x कर दिया, लेकिन अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका आंसर ही गलत है, क्योंकि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से x प्लस 13x प्लस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, उसके बाद अगर आपने कॉमन लेने की कोशिश की है, तो पहले 2 टर्म से जब आपने कॉमन लेने की कोशिश की होगी तो ये x प्लस 13 ब्रैकेट में आया होगा। अब जब हम आगे इसमें कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अब आपके पास 12 कॉमन आएगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस 13, हो गया ना गलत, क्योंकि ब्रैकेट में हमें सेम चीज चाहिए होता है, तो ये गलत क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ वो समझो आप। और इसी तरीके से आपने अपनी गलती पहचान सकते हो, आपको बताया जाता है कि जो हम मिडिल टर्म में ब्रेक करते हैं ना, तो ये जो 25 दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 25 दिख रहा है इसको हम 2 टर्म्स में ब्रेक करते हैं, m और n, इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि m प्लस n का वैल्यू कितना होगा, m प्लस n का वैल्यू 25 होगा एंड, और m इंटू n का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस 156 होगा, m प्लस n का वैल्यू 25 और m इंटू n का वैल्यू माइनस 156 होगा। हाँ पिंकी बोलो। सर यू डू सम मिस्टेक कहाँ पे, सर जब ये माइनस ओके 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 हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिख लिया दिख लिया, दिस विल बी माइनस 25।
बट अगेन अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, स्टिल 25 को हम माइनस 25 को अब दो चीजों में ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बिकॉज अब मेरा एक्स का कोफिशियंट क्या है, अब मेरा एक्स का कोफिशियंट है माइनस 25, तो अब आपको इसको दो टर्म्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम माइनस 25 हो रहा है और उन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 156 हो रहा है, तो अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, मतलब अब वो फैक्टर्स अगर कंसिडर करते हैं तब ये हो जाएगा, तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, अभी भी नहीं होगा ये माइनस, दोनों जगह नहीं रख सकते, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, प्लस 156 होगा ना, कौन सा प्लस 156 होगा, अच्छा 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 हाँ ये प्लस 156 होगा, ओके देन इट इज सॉल्व, सिली मिस्टेक हो गया था, हाँ तो इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12, तो उसने सही किया यार, उसने कहीं पे गलती नहीं की कंगना ने, तो x की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है 12 एंड 13, देखो कंगना जब x की वैल्यू 12 और 13 आ गई, ओके हमने x माना था मैथ्स के मार्क्स को, अब आपको आना है इंग्लिश के मार्क्स में, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, इंग्लिश का मार्क्स होगा 30 माइनस एक्स, तो अब इसमें दो केसेस हो जाएंगे, जब 12 आया है तो 30 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 30 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल होंगे, रिजल्ट अंकित जो रिजल्ट है ना टेस्ट के वो आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, रोहित सर डाल देंगे, रोहित सर या राकेश सर डाल देंगे, मीनवाइल एक बार मुझे इसको वेरीफाई कर लेने दो तो आंसर को, नहीं नहीं इट हैज टू बी, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है सर, x माइनस 13 ना होगा सर उधर, कहाँ पे ये मैंने एक स्टेप स्किप करके फाइनल स्टेप लिख दिया, ये मैंने एक स्टेप स्किप करके फाइनल स्टेप लिख दिया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ यार, ठीक है तो फाइनली इसके दो आंसर्स हो जाएंगे, सब कुछ सही है, इसमें क्या होगा दो केसेस आ गए, मतलब जब आपके मैथ्स के मार्क्स 12 है उस टाइम पे इंग्लिश 18 निकल कर आ रहा है, और जब आपके मैथ्स के मार्क्स 13 है तो उस टाइम पे इंग्लिश के मार्क्स 17 निकल कर आ रहे हैं, ये रहा फंडा बस, ठीक है, इज दिस क्लियर, युवराज कबूत होते हुए तो नहीं दिख रहा यार, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, हाँ टेल मी गाइस इज दिस क्लियर, कंगना दिस वॉज योर डाउट, क्या ये चीज अभी क्लियर है यहाँ पे, आयुष इज इट क्लियर, Yes, sir, clear. Okay, चैट में बहुत लोग कहूत कहूत कर रहे हैं, तो ऐसा करें क्या,
एक काउंट कर लेते हैं और फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर ले, डाउट्स क्या बोलते हो? एक घंटा निकल चुका है एक्चुअली, इट्स 5:30 नाउ, ओके? चलो तो जस्ट गिव मी वन मिनट, आई जस्ट स्टार्ट. ओके, मीनवाइल आप लोग अपने फोन में कहूत का पेज खोल लो और डुअल स्क्रीन कर लो. डुअल स्क्रीन करने से फायदा ये होता है कि एक स्क्रीन में आपको जूम पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे और आपको आप फिर सेकंड स्क्रीन में कहूत वाला खोल लेना, वहां पे मार्क कर लेना. ओके okay. So the game pin is on your screen, 3235579. 3235579. इतना तो नहीं पता युवराज. कंट्रोल सबको ज्वाइन कर लेने. अच्छा मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ बिकॉज ये हैंग होने लग जाता है फिर मैं लैपटॉप बता नहीं. ओके सो आई थिंक एवरीवन हैज ज्वाइन ना, और कोई आ नहीं रहा. स्टार्ट. ज्यादातर लोगों ने गलती की है. फैक्टराइज करते तो 80 को ब्रेक करते ना, तो 80 को ब्रेक करने से बनता 8 और 10.
तो आपका फैक्टर बनता है x प्लस आठ इंटू एक्स प्लस दस। अब ये x प्लस आठ इंटू एक्स प्लस दस इक्वल टू जीरो करोगे तो एक जगह से x का वैल्यू माइनस आठ और एक जगह से x का वैल्यू माइनस दस आएगा। तो तीन लोगों ने सही किया, राहुल, आयुष और तरन, वो आपको दिख रहे हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें भी गलती है यार धत, इसलिए काउंट कराने को मन नहीं करता आजकल आपके बैच में। इसको मल्टीप्लाई करने में इतनी गलती हो रही है लोगों से। एक चीज तो क्लियरली दिख रहा है कि वहां पे माइनस इलेवन है, इधर प्लस फोर है, तो माइनस इलेवन जब उस प्लस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 44 बनेगा। स्टिल यहां पे पांच लोगों ने प्लस 44 वाले पे मार्क किया हुआ है। फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए जल्दी से। अंकित चैट में आंसर कर दो, आपका नेट वीक होगा। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सही से आंसर किया है। नेक्स्ट सॉल्व इट विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पे लोगों से गलती क्या हुई है। थोड़ा सा आपको पता चले फॉर्मूला था क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। मान लो आप इसको फॉर्मूला से भी नहीं सॉल्व करना चाहते थे तो भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो मैं पहले बगल में इसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करता हूँ, तो देखो 25 से यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, राइट। 50 को फैक्टराइज करके 5 लाना है, तो 10 5 10 इंटू 5 50 होता है, 10 माइनस 5 5 होता है, तो माइनस 10n प्लस 5n प्लस 25। इससे लेकिन यहाँ होगा नहीं ना,
चलो इसको फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ कुछ मेरे को गड़बड़ दिख रहा है. सो फॉर्मूला लगाने से बी का वैल्यू है माइनस पांच, तो माइनस ऑफ माइनस पांच के कारण ये बन जाएगा प्लस फाइव, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हो गया 25, माइनस 4ac, माइनस 4ac यहां करेंगे ना तो 200 हो गया. गाइस इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है. ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर गलत आ रहा है. यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है मुझे, यहां पे माइनस होता तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. यहां लकीली दो लोगों को नंबर मिल गए. फर्स्ट पे रोशनी, पांच में से दो सही, युवराज सेकंड पे दो सही, और फर्स्ट पे है एक्चुअली अभी कुछ कुछ चीजें हमने नहीं की हुए हैं ना, तो इसीलिए एक और पांच क्वेश्चन का क्विज है गाइस, गिव योर बेस्ट. गेम पिन आपके स्क्रीन पे आने वाला है. Okay, so the game pin is 928-1328. 928-1328. देखो कितने लोग गलती करते हो इधर. Px is equal to x square minus 1 is a quadratic equation. Yes or no? याद करो मैंने पहली क्लास में quadratic polynomial और quadratic equation के बीच का अंतर बताया. Thank you.
मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था देखो कितने लोग गलती करते हो, आपके बैच में मेरी बात बहुत कम लोग सुनते हैं, ये इसका प्रूफ है। दिस इज अ पॉलीनोमियल गाइस, दिस इज अ पॉलीनोमियल इक्वेशंस, इट्स समथिंग लाइक x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज अ पॉलीनोमियल। p ऑफ x, व्हाट इज p ऑफ x, p ऑफ x का मतलब होता है पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। वो चार लोग कौन है जो मेरी बात सुनते हैं और जिनका आंसर सही हुआ है? तो दिव्यांशु, दिव्यांशु, रागिनी, फोड़ास। जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स? जय माता दी चल रहा है, जय माता दी। होता क्या है गाइस, डेफिनेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बोला जाता है जब ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। लेकिन जब ए इक्वल टू जीरो हो जाता है, जब ए इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या, उस केस में वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता। यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जीरो, तो वो तो हो नहीं सकता डेफिनेशन के हिसाब से, इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, a quadratic polynomial has a maximum of 1 0 2 0 no 0 3 0 ओके, तो फाइनली कहीं तो नंबर आए हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर गाइस, एक ऑड नंबर को x मानोगे तो अगला x प्लस 2 बनता है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में दो का गैप होता है। जिन महान लोगों से आंसर नहीं हुआ इस क्वेश्चन का, अगर एक नंबर को x मानते हो तो अगला नंबर बनता है x प्लस 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हो रहा है 21, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 21 को LHS लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो बन जाएगा माइनस 20। तो x square plus 2x minus 21 ये रहा। ठीक है अंकित, तो रागिनी ने चार क्वेश्चंस का आंसर बैक टू बैक सही करके टॉप पे है। आयुष इज वेरी क्लोज, आयुष एंड फराज आप लोग नंबर वन पे आ जाओगे अगर रागिनी ने अगले क्वेश्चन का आंसर गलत किया और आपने सही किया तो। लास्ट क्वेश्चन, द
The length of a rectangle is 2 more than its width. Area of rectangle is 80 centimeter square. Quadratic equation क्या होगा? NCERT type question आ गया ये तो. अगेन बहुत लोगों की गलती हुई है, लेट्स हैव अ लुक कहां पे आपसे गलती हो रही है. तो अगर आप यहां पे कह रहे हैं लेंथ जो है 2 मोर देन इट्स विड्थ है, तो अगर हम विड्थ को 2 मान लेते हैं, सॉरी विड्थ को अगर x मान लेते हैं, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा x plus 2. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया का वैल्यू आ रहा है 80, एरिया का वैल्यू आ रहा है 80. तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब x into x plus 2 is equal to 80 होगा. अब ब्रैकेट को यहां ओपन करोगे तो आपको बनेगा x square plus 2x, और 80 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो बनेगा minus 80. x square plus 2x minus 80 is equal to 0 हुआ, ठीक है, इसीलिए ये आंसर दिया गया है. तो क्वेश्चन आसान था, पिछला दोनों क्वेश्चन आसान था. प्रैक्टिस करो गाइस, यहां से आपको पता चल रहा है कि आप कहां पे फंस रहे हो. आपको एक मिनट का टाइम दिया था लेकिन 30 सेकंड के अंदर मार्क कर दिया था, तो जय माता दी भी खूब हुआ इधर. तो आयुष थर्ड पोजीशन 3 सही करके, सेकंड पोजीशन परास 4 सही किया है, अब फर्स्ट पोजीशन पे कैंसर गलत किया. नहीं युवराज, एक और टेस्ट अभी नहीं होगा, बिकॉज टाइम इज 5:54. 10 क्वेश्चन का टेस्ट का मतलब है 15 मिनट्स निकल जाएंगे, ठीक है. तो गाइस इसी के साथ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन फॉर टुडे. दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे फील किया होगा कि इवन दो द क्वेश्चंस आर इजी, आप कहीं ना कहीं वो मैचअप नहीं कर पा रहे हो स्पीड के साथ, है कि नहीं. तो सिंपल सा सजेशन है, कोई होमवर्क नहीं है, नो होमवर्क एट ऑल. जो भी हमने पढ़ा हुआ है ना उसी को एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए. अगेन सेइंग, जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए. एंड स्पेशली आप क्या करो, एनसीईआरटी के टेक्स्ट को एक बार अच्छे से रीड करो. I think that will help. Okay? Solution बता दिया युवराज, अंकित solution बता दिया, ठीक है. तो इसको go through कीजिए, यहीं पे end करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में. Bye bye everyone.